गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रेरणा लक्ष्य के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मोबाइल में आप अपने ये प्ले स्टोर वाले आइकन में जाएंगे, यहाँ पर जाकर आप टाइप करेंगे प्रेरणा लक्ष्य, और प्रेरणा लक्ष्य जब आप टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा, और ये वाला आइकन पे जाकर आप उसे डाउनलोड करेंगे। अब उसको आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बेटा देखो, ये कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल में दिखेगा। अब ये आइकन आपको दिख रहा है प्रेरणा लक्ष्य का, इसको आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप की तरह आ गया, आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये स्क्रीन खुल के आती है। जब ये स्क्रीन खुल के आती है और आपके पास एक पुस्तक है, देखिए उसमें से सितारे निकल रहे हैं। इसको थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कक्षाएं दी हुई हैं, कक्षा का चयन करना है। ये अभिभावकों का भी इसमें हमको सहयोग चाहिए। देखिए बड़े बहन भाई भी घर में अपने बच्चे, अपने छोटे भाई बहन या माता पिता अपने बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों को करने के लिए, जब हमने यहाँ पर देखा तो इसमें कक्षाएं निकल के आ रही थी, कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन, चार, पाँच, उनके आकलन के लिए है। अब यहाँ पर हम कक्षा दो लेते हैं, मान लीजिए हमारा बच्चा कक्षा दो में पढ़ता है और उसके गणित का आकलन करना है, और आकलन के लिए आगे बढ़ें। आकलन के लिए आगे बढ़ेंगे तो कक्षा दो, फिर आकलन के लिए आगे बढ़े। जब हम आकलन के लिए आगे बढ़ेंगे, देखिए हमारे पास कुछ सवाल आ गए जो कि बच्चा हल करेगा। अब वो टिक लगाएगा, जैसे कि चार प्लस पाँच, पाँच कितना हुआ नौ, आगे बढ़ा। एट प्लस फाइव कितना हुआ थर्टीन, आगे बढ़ेंगे। नाइन माइनस फोर कितना हुआ फाइव, आगे बढ़ेंगे। सेवनटीन माइनस टू फिफ्टीन, इसके लिए बच्चा जो है वो अपनी कॉपी पेंसिल का भी प्रयोग कर सकता है ये सवाल उतार के, आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए बच्चे के फोर आउट ऑफ, ये देखिए चारों स्क्वायर नीले आ रहे हैं। परिणाम देखने के लिए हमने देखा कि बच्चे ने चारों पूरे कर लिए। अब हम फिर से पीछे जाएंगे और पीछे जाके देखेंगे, आकलन को समाप्त करेंगे। अब हमारे ही घर में फिर से जो कोई दूसरा बच्चा है वो कक्षा पाँच में पढ़ता है। अब अगर वो कक्षा पाँच में पढ़ता है और उसका हमको हिंदी में उसका आकलन करना है, उसको प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति करानी है, कक्षा पाँच को क्लिक करेंगे, भाषा में जाएंगे, आकलन के लिए आगे बढ़ें। अब वो बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर एक उसको अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश दिया है, कहानी है साधु कुदाल चलाते और हाफ उठा और हाफ उठते, राजा का मन पसीज उठा, राजा ने कुदाल मांग ली, साधु ने चुपचाप कुदाल थमा दी, राजा मिट्टी खोदता रहा, साधु जमीन पर एक तरफ बैठ गया। ये एक हर्मिट का, अभी हमारी कक्षा एट्थ में भी या स्टोरी ऑफ हर्मिट में भी ये है, लेकिन अभी अभी कक्षा पाँच के लिए बच्चे ने ये पूरा अपठित गद्यांश पढ़ लिया। अब उसको इसमें से आंसर्स नीचे निकालने हैं। देखिए कुदाल कौन चलाता था, साधु। किसका मन पसीज उठा, राजा का मन पसीज उठा। राजा क्या खोदता रहा, मिट्टी खोदता रहा। साधु कहाँ बैठ गया, जमीन पर बैठ गया। अब आकलन के लिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। देखिए चारों के चारों आपके बच्चे ने प्रश्न जो है वो उत्तर दिया है। तो इस प्रकार से प्रेरणा लक्ष्य की सहायता से हम घर पर बच्चे का, और स्टूडेंट खुद भी, और पेरेंट्स, भाई बहन, बड़े इस प्रेरणा लक्ष्य को लोड करके उसका हम स्वतः आकलन कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर भावना भटनागर, JHS मोहनपुर।